Hello, student. Today I am taking a new chapter for you, that is breathing and exchange of breathing. Breathing and exchange of breathing. ये chapter biology से संबंधित ऐसा chapter है जो हमारे लिए विशेष जानकारी लेकर आता है और इसके विषय में हम लोगों को जानकारी रखनी भी चाहिए. अब breathing क्या है student? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ ब्रेथिंग है. तो ब्रीदिंग क्या है? ऑक्सीजन को हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं. किस टेक्निक के द्वारा लेते हैं? कौन सा तरीका अपनाते हैं ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेना? जैसे हम लोग लंग्स के द्वारा लेते हैं. तो हो सकता है कि तरह तरह के जीव भी होते हैं जो बॉडी में अपने बॉडी तरह तरह से लेने का प्रयास करते. ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिस तरीके से हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन उसी टाइप से अन्य जीव भी लेते हों. स्टूडेंट, हो सकता है कि जो तरह तरह के जीवधारी होते हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनका ऑक्सीजन लेने का तरीका अलग हो. कुल मिलाकर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज ब्रीदिंग. एक सिंपल भाषा में इसको ब्रीदिंग बोला जाता है. तो इस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ ब्रेथिंग इस चैप्टर में, क्योंकि लेंथी चैप्टर है तो इसको हम थोड़ा पार्ट में बांट करके स्टडी करेंगे. तो ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो इस पार्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गनिज्म में या एनिमल्स में पाए जाते हैं, उनकी स्टडी करेंगे और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. स्पेशली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन दिस पार्ट. तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट लिविंग बींग्स. स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ यूनिसेलुलर लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह, या अमीबा है, पैरामीशियम इब्रिना है, ये एक्वाटिक होते हैं, वाटर में रहते हैं. तो ये अपनी बॉडी सरफेस से ही, अपने पूरे चारों तरफ से ही वाटर में जो ऑक्सीजन होती है उसको ले लेते हैं. जैसे पोलीफेरा के स्पंज वगैरह होते हैं, पोलीफेरा के लिविंग बींग्स सिलेंड्रेट होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं, तो ये अपनी पूरी इंटायर बॉडी सरफेस से ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं, ले लेते हैं और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं. नेक्स्ट, जैसे अर्थवर्म की स्किन आप लोगों ने देखा होगा, मॉइस्ट होती है, नम होती है, उसको टच करके देखिए तो चिकनी भी होती है म्यूकस की वजह से. तो मॉइस्ट क्यूटिकल ऑन द बॉडी जो पाई जाती है उससे वो ऑक्सीजन ले लेता है. टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल जो स्थल पर पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा के जीव, उनमें से ट्रैकी, जैसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये इसको कॉकरोच बोलते हैं, तो ये ट्रैकी या ट्रैकिया द्वारा लेता है. बुक लंग्स पाए जाते हैं स्कॉर्पियन में, बुक गिल्स पाए जाते हैं लिमुलस में. तो इस टाइप से आर्थ्रोपोड में ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है. इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टारफिश वगैरह, तो उसमें ट्यूब फीट पाए जाते हैं, ट्यूब फीट के माध्यम से ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है इकाइनोडर्मेटा फाइलम में. गिल्स किसमें पाए जाते हैं? मोलस्क, जितने भी मोलस्क पाए जाते हैं उनमें काफी में गिल्स के द्वारा जो है ऑक्सीजन को लिया जाता है. एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जो पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं एक्वाटिक, उनमें भी गिल्स पाए जाते हैं. हेमिकार्डेट में, सेफाइलोकार्डेट में, यूरोकार्डेट में, फिशेज में, टैडपोल जो फ्रॉग वगैरह के टैडपोल होते हैं, इनमें गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन को लिया जाता है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है. अब लंग्स और कुटेनियस, कुटेनियस मतलब स्किन के द्वारा, ये फ्रॉग और टोड में होता है. फ्रॉग और टोड क्या करते हैं? अपने स्किन से भी ऑक्सीजन ले लेते हैं और उनमें स्पेशली लंग्स भी पाए जाते हैं, तो उनसे भी लेते हैं. और केवल लंग्स के द्वारा जो करते हैं ऑक्सीजन को कैरी करते हैं या लेते हैं वो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एंड मैमल. सो स्टूडेंट, दीज आर सम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन डिफरेंट लिविंग बींग्स. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके विषय में हम लोग एक ज्यादा
जानकारी प्राप्त करेंगे, पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम लोगों में जो लंग्स पाए जाते हैं, हमारे लोगों में जो लंग्स होते हैं, दीज आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मेन जो है ये ब्रीदिंग का काम करने वाले मेन ऑर्गन्स माने जाते हैं लंग्स। हम लोग लंग्स के द्वारा ही ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लेते हैं एटमॉस्फेयर। तो अब इसमें हम लोगों में लंग्स तो यहाँ पाए जाते हैं चेस्ट वाले पार्ट में, देयर आर टू लंग्स, बट लंग्स के सहारे कौन कौन से अन्य ऑर्गन्स होते हैं जो लंग्स से जुड़े रहते हैं और वो इस प्रोसेस में सहायता करते हैं। तो उसके लिए हमारे में, हमारे बॉडी में कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को लेने का काम करते हैं, जैसे ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये दो नॉस्ट्रिल होते हैं, ये बाहर खुलते हैं एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा होगा हेयर वगैरह भी पाए जाते हैं आपका, ताकि डस्ट वगैरह जाए तो उसमें उलझ जाए और डस्ट पार्टिकल्स अंदर न जाने पाओ। या म्यूकस पाया जाता है, इसके जो चैम्बर पाया जाता है नेजल चैम्बर, अंदर की तरफ जाओगे तो दोनों पोर अंदर की तरफ लंबाई में चैम्बर बनाते हैं, तो उसमें उनकी जो दीवार होती है वॉल, उसमें म्यूकस होता है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, तो काफ़ी मात्रा में म्यूकस निकलता है, तो जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाती है और अंदर तक नहीं जाने पाते। तो एक हो गया ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, सेकेंड उसके आगे का पार्ट नेसल चैम्बर, इसी को नेसल कैविटी भी बोला जाता है, थर्ड नेसोफेरिंग्स। आप देखें तो दोनों नेसल चैम्बर आगे जाकर के बक्कल कैविटी में ऊपर से नीचे की तरफ दोनों खुलते हैं, तो उसको बोला जाता है नेसोफेरिंग्स, ये फेरिंग्स वाले पार्ट में जाकर के खुलते हैं जाकर के। और उसके बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स ये पार्ट एडम्स एप्पल बोला जाता है, लैरिंग्स स्वयंत्र इसको बोलते हैं, यहाँ से आवाज निकलती है हम लोगों में लैरिंग्स। और बर्थ के केस में इसी को बोलते हैं सीरिंग्स, बर्थ में अगर हम लोग स्टडी करेंगे इसको तो इसको बोलते हैं सीरिंग्स। और हम लोगों में इसको लैरिंग्स बोला जाता है। तो ये स्वर उत्पन्न करने वाला एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। नेक्स्ट पे ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया ये सीधी चली जा रही है नीचे, ब्रोंकाई, ट्रेकिया आगे चल करके ब्रोंकाई में बटेगी, ब्रोंकियोस में बटेगी एंड एल्वियोलाई। तो ये एक प्रकार से हमारे सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं। और लास्ट में जाकर के हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं जो ऑक्सीजन को लेने का काम कर रहे हैं वो लंग्स है। स्टूडेंट ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे कि नेसल नॉस्ट्रिल तो हो गए, नेसल चैम्बर या नेसल कैविटी हो गई, दोनों नेसल कैविटी आगे जाकर के नेसोफेरिंग्स में गई, नेसोफेरिंग्स आगे जाकर के ये लैरिंग्स में जा रहा है जिसको स्वरयंत्र बोल रहे हैं, उसके बाद ट्रेकिया आती। अब यहां पर ये ट्रेकिया दिखाई गई, ट्रेकिया लंबी होती है, लगभग 10-12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 10-12 सेंटीमीटर लेंथ। और आप देखिए तो ट्रेकिया में एयरिंग जैसे छल्ले, कार्टिलेजनस रिंग्स, ये कार्टिलेज के बने हुए छल्ले होते हैं, इनकी जो संख्या होती है, इनका जो नंबर होता है वो देयर आर नियर अबाउट 16-20 कार्टिलेजनस रिंग्स, सी शेप्ड पाए जाते हैं, ये ट्रेकिया को पिचकने से बचाते हैं, ये पिचक ना जाए, और पिचक जाएगी तो यानी इसकी दोनों वाल सब आपस में चिपक जाएंगे और चिपकने की वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, इस वजह से इसको फैलाए रखती है कार्टिलेजनस रिंग, इसको खड़ा बनाए रखती है। ये पार्ट पाया जाता है लैरिंग्स जिसको स्वरयंत्र बोलते हैं, ये भी कार्टिलेज से ही मिलकर के बना होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये फायदा क्या करता है, जब हम लोग भोजन को निगलते हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया है कि जब भोजन को हम लोग निगलते हैं तो उस समय ये ट्रेकिया के ऊपर, ये ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक जाता है जिसकी वजह से भोजन हमारा इस ट्रेकिया के अंदर नहीं जा पाता, ये फायदा होता है। अब ये ट्रेकिया आगे चल करके दो पार्ट में बढ़ गई, इधर गई और इधर गई, ये ट्रेकियल ब्रांच है, यानी ट्रेकिया की ब्रांच हो गए दो, इनको बोला जाता है ब्रोंकाई, यानी एक राइट लंग्स में आ रही है तो राइट ब्रोंकाई, एक लेफ्ट में आ रही है तो लेफ्ट ब्रोंकाई। अब ये आगे चल करके ब्रोंकियोल्स वगैरह में और एल्वियोलाई वगैरह में चेंज होती है। अब इसके आगे की ब्रांचिंग हम लोग यहां से समझेंगे, ट्रेकिया ये है, ट्रेकिया टू प्राइमरी ब्रोंकाई में बदलती है, एक लेफ्ट हो गई एक राइट हो गई, राइट वाली जो होती है थोड़ा आकार में छोटी होती है,
इसका जो इसकी लेंथ होती है थोड़ा छोटी होती है, ये लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है और ये चौड़ी होती है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, और ये लगभग जो है 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली होती है और ये नैरो होती है, तकरी होती है। तो लेफ्ट वाली लगभग 5 सेंटीमीटर लेंथ की और नैरो, और राइट वाली लगभग 2 सेंटीमीटर लेंथ की और चौड़ी होती है। उसके बाद ये आगे जाकर के दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई यानी लेफ्ट और राइट, ये आगे चल करके लोअर ब्रोंकाई में बदलती है, यानी राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में, ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट है, तो ये आगे चल करके लोअर ब्रोंकाई में बदलती है। तो लोअर ब्रोंकाई की संख्या कितनी होती है? अगर राइट लंग्स में देखेंगे तो राइट लंग में इनकी संख्या 3 होती है, इस टाइप से 1 2 3 इनकी संख्या, और लेफ्ट लंग में जाएंगे तो इनकी संख्या केवल 2 होगी। ये हमने यहां पर ब्रांच दिखा दिया है, लेकिन वास्तव में ये आगे चल करके केवल 2 पार्ट में बढ़ती, इसको बोला जाता है लोअर ब्रोंकाई। अब लोअर ब्रोंकाई आगे चल करके सेगमेंटल ब्रोंकाई में बदलती है, अभी आगे ब्रांचिंग और है, तो वो बदलेगी सेगमेंटल ब्रोंकाई में। सेगमेंटल ब्रोंकाई टर्मिनल ब्रोंकाई में बदलती है, टर्मिनल ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, इनिशियल ब्रोंकियोल्स में बदलती है, इनिशियल ब्रोंकियोल आगे चल करके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में बदलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में बदलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एल्वियोलर डक्ट में बदलते हैं, और एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलर सैक में बदलते हैं। एल्वियोलर सैक जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एयर सैक्स पाए जाते हैं या एल्वियोलाई पाए जाते हैं। तो ये हो गई एक प्रकार की ब्रांचिंग, तो इसको एक प्रकार का ट्री जैसा मालूम रहता है कि एक मेन शाखा गई, उससे 2 शाखाएं बनी, फिर 2 शाखाओं में फिर बढ़ती चली गई, इधर भी बढ़ती चली गई, तो एक प्रकार का ब्रांच बन गया, एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जो कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये हम लोगों को समझना है कि कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एक तो ट्रेकिया में मैंने बताया, ब्रोंकाई में मैंने जहां शो किया है, तो ट्रेकिया हो गई, ब्रोंकाई हो गई, पहला ट्रेकिया हो गया, दूसरा ब्रोंकाई हो गया, तीसरा लोअर ब्रोंकाई, इनमें भी पाए जाते हैं कार्टिलेजियस रिंग, फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई इनमें भी पाए जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाई इनमें भी पाए जाते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल इनमें भी पाए जाते हैं, यानी यहां तक के पार्ट में कार्टिलेजियस रिंग पाई जाती है। ये देखो मैंने यहां से शो किया है, ये ऐसे आ रहा, यानी इतने पार्ट में कार्टिलेजिनस रिंग्स आर फाउंड, इतने पार्ट में। अब आगे कहां नहीं पाई जाती है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलाई आर एयर सैक्स, इनमें कार्टिलेजिनस रिंग्स आर एब्सेंट, इनमें नहीं पाई जाती, क्योंकि लगातार ये पतली होती चली जाती है, बिल्कुल शाखाओं की शाखाओं में बढ़ती हुई चली जाती है और लंग्स के अंदर तक होती चली जाती है। तो ये एक प्रकार की ब्रांचिंग है स्टूडेंट, तो लगभग आप लोग समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आपने जो पढ़ा है ट्रेकिया, ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, इसी ट्रेकिया को ट्रेकिया जानते हैं उन्होंने विंड पाइप, ये डायाफ्राम शो किया गया है जो हम लोगों में ऐसे आ गया, ये चीज दिस इज द डायाफ्राम। और एक चीज समझना है कि प्रत्येक लंग के ऊपर ये 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती है जिनको प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोला जाता है। एक मेम्ब्रेन तो पूरे लंग्स के ऊपर ही कवर रहती है, दूसरी मेम्ब्रेन थोड़ा दूर हट करके रहती लगी रहती है और मसल से संबंधित होती है, सारी रिप्स जो पाई जाती है हम लोगों में, ये रिप्स है तो रिप्स के कॉन्टेक्ट में रहती है नीचे की तरफ, और दूसरी मेम्ब्रेन जो पाई जाती है ये लंग्स के कॉन्टेक्ट में रहती है, तो ये बीच में खाली स्थान होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, प्लूरल कैविटी बोला जाता है इसको, इस कैविटी को बोलते हैं प्लूरल कैविटी, यानी जो दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी जो बीच में गैप है, इससे फायदा क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो फूल जाता है लंग्स, सांस छोड़ते हैं पिचक जाता है, इसका मतलब कि हमारे लंग्स को थोड़ा गैप मिल जाता है, फूलने और पिचकने का मौका मिल जाता है। तो यह है प्लूरल कैविटी और इन दोनों मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन,
बाहर वाले को एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाले को इंटरनल, तो ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन है, दिस इज द डायाफ्राम। और ये जो पाई जा रही है ये भी रिप के कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो उसकी लाइनिंग। अब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ये जो हम पढ़े थे एल्वियोलाई या एयर सैक, तो एक एयर सैक का स्ट्रक्चर ये है, आप लोग जो देख रहे हैं एक एयर सैक को शो किया गया, एक एयर सैक के चारों ओर ये जो मैंने शो किया है दीज आर द ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड की कैपिलरीज है जो चारों तरफ पाई जाती है और ये ब्लड भरा हुआ है। अब यहीं से हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ से सीधा होते हुए जाती है ऑक्सीजन सीधा ट्रेकिया में, ट्रेकिया से सीधा इधर दोनों ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आगे होते हुए सब ब्रांचिंग में होते हुए लास्ट में एयर सैक्स तक पहुंच जाते हैं, दी जाता है एयर सैक्स। तो ये एक एयर सैक, एयर सैक तक ऑक्सीजन पहुंच गई और ये जो ब्लड है ये बॉडी से आ रहा है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके यहाँ पर एयर सैक में पहुंचा दिया जाता है और ऑक्सीजन को यहाँ ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। इसको बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसे, यहाँ पर लंग्स में हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसे इस टाइप के होता है। तो एयर सैक का मेन मकसद है कि ये गैसों के एक्सचेंज में मदद करता है। स्टूडेंट आप लोगों के समझ में लगभग हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया होगा। तो स्टूडेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक देन यू कैन गिव योर व्यूज रिलेटेड टू डाउट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स।